गजल की चर्चा होगी तो बेगम अख्तर के बिना बात अधूरी रहेगी। इसे संयोग ही कहेंगे कि गजल हो या बेगम अख्तर, दोनों कभी कोठे की शान हुआ करते थे। और जब दोनों ने ही हिंदी सिनेमा संगीत में संगत किया, बेगम अख्तर मलिकाए गजल बन गई। शास्त्रीय रागों पर आधारित गजल गायकी में बेगम अख्तर का कोई जवाब नहीं। 7 अक्टूबर 2023 को बेगम अख्तर की 109वीं जयंती पर आइए जानते हैं कोठे से गजलों की दुनिया की सम्राज्ञी बनने की कहानी। 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद में एडवोकेट असगर हुसैन की दूसरी पत्नी मुस्तरी के गर्भ से पैदा हुई बेगम अख्तर का असली नाम अख्तरीबाई था। घर में उसे विब्बी कहकर बुलाया जाता था। उसे बचपन से ही संगीत से प्रेम था। वह सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन उनका परिवार उनकी इच्छा के खिलाफ था। अख्तरी 4 वर्ष की थी, उनके पिता ने उन्हें छोड़ दिया। संघर्षों से जूझते हुए वे आगे बढ़ती रही, लेकिन हार नहीं मानी। हालांकि इस जिद की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। 7 वर्ष की आयु में वे जिस उस्ताद से गायकी सीख रही थी, उसने उसका शारीरिक शोषण किया। कालांतर में उन्होंने उस्ताद इमदाद खान, अता मोहम्मद खान, अब्दुल वहीद खान से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। 13 वर्ष की आयु में गाना सुनने के बहाने बिहार के राजा ने बुलाकर उनका शारीरिक शोषण किया। छोटी उम्र में एक बच्ची शमीमा की बिन ब्याई माँ बन गई। हालांकि उसे अपनी बहन बताती रही। बेगम अख्तर को गायकी का पहला अवसर फिल्म बादशाह के लिए मिला था, लेकिन फिल्म फ्लॉप होने से उन्हें कोई लाभ नहीं। वे अपने गृह लखनऊ आ गई। लखनऊ में ही बेगम अख्तर की मुलाकात महबूब खान से हुई। महबूब खान बेगम की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उन्हें मुंबई बुलाया। इसके बाद उन्हें पीछे मुड़कर देखने का अवसर ही नहीं मिला। बेगम अख्तर गजल, ठुमरी और दादरा गायन शैली की बेहद लोकप्रिय गायिका थी। उनकी गाई हुई कुछ गजलें, वो जो हमसे तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना हो, ये मोहब्बत है तेरे अंजाम पे रोना आया, मेरे हम नबस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दवा ना दे, आज की पीढ़ी को भी दीवाना बना देते हैं। उनकी गायकी के चर्चे सुनकर ग्रामोफोन कंपनी ने उन्हें गाना गाने की अपील की, लेकिन उनके उस्ताद ने मना कर दिया। लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से बेगम अख्तर ने HMB कंपनी के साथ करार किया और दादरी और गजलें गाई। यह उनकी गायकी का ही जादू था जिसने गजल को कोठों से निकालकर आम लोगों के बीच लोकप्रिय किया। बेगम अख्तर ने गालिब मोमिन, फैज अहमद फैज, कैफी आजमी, शकील बदायूनी जैसे दिग्गज शायरों के कलाम गाए और इन कलाम को घर घर में पहचान दिलाई। साल 1974 में तिरुवनंतपुरम के पास बलरामपुर अपने अंतिम संगीत कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी आवाज की रेंज बढ़ा दी, जिससे वे बीमार पड़ गई। अंततः 30 अक्टूबर 1974 को उनकी दोस्त नीलम गमाड़िया की बाहों में उनकी मृत्यु हो गई। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।